इस समय उपस्थित है जौनपुर में, और हमारे साथ जीपीपाल फौजी हमारे साथ हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मेरे भाई। सर आप बताइए, क्या गाड़ी नंबर है आपका? मेरा 371 जफराबाद। ये गाड़ी नंबर AV0 371, मतलब 371 जी। मतलब जितना जितनी जी गाड़ी खरीदेंगे अपने जीवन में 371। 371। अब इतने बड़े फैन हैं समाजवादी जी, पार्टी जी, के जी। 371 विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं? जी हाँ। नहीं नहीं प्रत्याशी हम नहीं थे, प्रत्याशी हमारे नवनीत यादव बिट्टू जी थे और प्रत्याशी, और समाजवादी पार्टी जब प्रत्याशी उनको बनाएगा तो हम लोग विधायक जो है उनको हम लोग मेहनत करके बनाएंगे। सर आप ये बताइएगा, जफराबाद में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, एक से बढ़ के एक नेता हैं जी, क्योंकि जनरल सीट है वहाँ जी, जी। और वहाँ पे बहुत यादव, एक एक से यादव हैं जी। कोई गाड़ी नंबर 371 नहीं लिया, आप क्यों है? नहीं मैं जैसे जफराबाद के अपने विधानसभा जो मेरा संख्या है 371, तो इस हिसाब से हम लोग 371 नंबर लिए कि 371 को इतना बड़ा बनाना है जफराबाद को, हरिंदर डॉक्टर बने, चाहे ये जो बने हैं जगदीश नारायण राय बने हैं, और ये कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं, ये मतलब बस सोहला के बेटा हो बाबू हो करके भेज देते हैं। और मैं इनसे 2 मिनट में समय मांगता हूँ, देते नहीं है, मैं 2 मिनट में इनको ठीक कर दूंगा। कौन? ये जो जफराबाद के विधायक है जगदीश नारायण राय, इनको 2 मिनट में मैं ठीक कर दूंगा, 2 मिनट हमको समय दे। फेवर में नहीं है? फेवर में नहीं, फेवर में रहने की बात ही नहीं है। वो जो समाजवादी पार्टी का देन है वो विधायक हुए, और विधायक होने के बाद वो जिनका रवैया है ठीक वो सही नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं का काम कर रहे हैं जो उनके पहले से साथ में थे, मतलब दूसरे पार्टी में थे। लेकिन आपको जगदीश नारायण राय के ऊपर अभी भी विश्वास नहीं है विश्वास कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, वो भाग भी सकते हैं? अरे अब कहाँ हमारे पार्टी में, वो तो उनके साथ हैं, राजभर जी के साथ हैं, तो हमारे पार्टी में कहाँ रहे हैं वो? आपके पार्टी में राजभर जी तो बोले थे कि अखिलेश जी बोले थे, इसीलिए हम जफराबाद में टिकट दिए। नहीं नहीं अखिलेश जी की गलत बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी उनको जो है राजभर जी कहने पे टिकट दिए ठीक, और टिकट देने पे उनको जो है कि विधायक बनाया गया, हम लोग लगे एकदम कार्यकर्ता, एकदम जो है हमारे विधानसभा के भावी विधायक नवनीत यादव बिट्टू हमारे साथ। जेपी पाल फौजी है। सर आपका नाम जेपी तो ठीक है जी, जेपी पाल आपकी आपका कास्ट है जी, फौजी क्यों लगाते हैं आप? फौजी इसलिए लगाता हूँ, मैं फिर फौज में था। सर आप क्यों नौकरी छोड़ के आ गए यहाँ? नौकरी के लिए सब बच्चे धक्के खा रहे हैं। नहीं मैं नौकरी किया सेवा में 5 साल किया फौज में, फिर उसके बाद जो है मैं हमें लगा कि अब समाज सेवा करना है तो हम फिर अपना नौकरी छोड़ दिया, मतलब नौकरी पे लात मार दिया। आप नहीं सोचे कि हमारे बीबी बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे नौकरी? बीबी, हाँ। बीबी बच्चे की टेंशन नहीं है, वो हमारे पिताजी, हमारे किसान जो है, हमारे भाई जो है, सब जो है अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई बात की कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेहनत करके संघर्ष करके, हम लोग समाजवादी हैं, संघर्ष करने में कोई हम लोग को पीछे कोई हटा नहीं पाएगा, हम लोग संघर्ष करके अपना परिवार जिला सकते हैं। अब हमें लगा कि हमारा लालसा था कि मैं अपने समाज को और समाजवादी पार्टी को। जौनपुर या उत्तर प्रदेश का राजनीति करते हैं आप, फिर बिहार का भी करते हैं, आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं? बिहार का राजनीति हम नहीं करते, जैसे बिहार में हमको भैया मानते बहुत हैं, तेजस्वी यादव भी भैया मानते हैं, तेज प्रताप भैया मानते हैं, जो माननीय लालू जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वो भी मुझको मानते हैं, मतलब माता जी भी मानती हैं, तो ऐसा बात नहीं है, वो तो संबंध है अपना, आते जाते रहते हैं, सम्मान करते हैं तो हम भी सम्मान। हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से इनको टिकट नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टियाँ से, तो वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं जीपी पाल? नहीं नहीं हम चुनाव नहीं, हम पहले हमारे नवनीत यादव बिट्टू जी विधायक बनेंगे जफराबाद के, इसके बाद हम सोचेंगे। अनुशासन दिए हैं आपको तेज प्रताप तेजस्वी जी कि हम आप टिकट देंगे? एकदम वो टिकट की बात ही नहीं है वहाँ, वो भैया से एक बार हम रिक्वेस्ट कर लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोगों के लिए जी। लोग बोलते हैं कि वो बांसुरी बजाते हैं, ये है वो है क्या? नहीं बांसुरी लोग बहुत मतलब दूसरे दृष्टि से देखते नहीं, हैं। नहीं 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 वो असली अध्यात्मिक, वो असली सनातन के वो है, गलत बात है, वो असली अब बोले बीच में बोले थे कि ठाकुर, तो ठाकुर बोले ना कि वृंदावन में जाइए असली ठाकुर तो वही है, हमारे केजरीवाल असली ठाकुर हैं, तो उसपे भी बोले। और यही बात कि उनसे अच्छा आध्यात्मिक कोई नहीं है, इस धरती पे नहीं मिलेगा। तो बिहार में इस वक्त क्या स्थिति है लालू जी की? बिहार में बहुत अच्छी स्थिति है, स्थिति आप देख ही रहे हैं, बीजेपी वालों की हालत हर जगह खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे लोकसभा सीट कितना, उत्तर प्रदेश में कितना सीट जीत सकती है? लोकसभा में हम लोग 80-80 सीट जीतेंगे, 100% अर्जेंट, मतलब उसमें एक भी वो नहीं है कि नहीं हम लोग नहीं। देखिए जीपी भैया आप हमें ये बताइए
कि आप मछली शहर में आप सबसे ज्यादा लाइक किसे करते हैं? मैं आप टिकट ऐसे प्रत्याशी बताइए कि जिससे आप मिलने पे आपको खुशी मिले, पूरे लोकसभा को खुशी मिले। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशी बनाएंगे तब ना हम लोग मिलेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन। नहीं, हम ऑप्शन रख देते हैं। हाँ जी, रागनी सुनकर जी, तूफानी फरोज जी की लड़की जी, संजय फरोज जी और दीपचंद राम जी, ये चार प्रत्याशी हैं जी। तो किसी प्रत्याशी को अगले भी उतार देते हैं जी। या इन चारों में से सबसे ज्यादा आप किसे पसंद करते हैं? हमारा ये कहना है कि जनता के लिए सबसे बेहतर कौन है? मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको दिशा निर्देश देंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। ये तो अच्छी बात है कि आप उनके कहने पे चलेंगे, आपके मुखिया हैं वो, लेकिन आप किसे लाइक करते हैं? हम आपका राय पूछ रहे हैं। जिसे लाइक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको निर्देश दे देंगे हम उसको लाइक करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि अखिलेश भैया का बात आप मान रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा 74 सीट में चार प्रत्याशी हैं आपके पास, तो आपका कोई तो करीब हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग प्रत्याशी हैं। निर्देश नहीं देंगे तो हम प्रत्याशी मान नहीं सकते किसी को। अच्छा, आप प्रत्याशी नहीं मान सकते किसी को? पर जो कल का मैच आप तो देखे, तो समाजवादी पार्टी क्या उसी प्रकार जीत उत्तर प्रदेश में मनाएगी? बम्पर ऐसे जीतेंगे हम लोग, और इंडिया जैसे कल क्रिकेट जीते जी जी, तो हम लोग इंडिया जीतेंगे और इंडिया का ही झंडा लहरेगा हम लोग का। और कुछ लोग तो कहते हैं राहुल गांधी वो बाहर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है यहाँ का। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी से अच्छा जानते हैं? आज मोदी जी जीएसटी का विरोध किए थे, वही जीएसटी लागू किए। जिस जिस चीज का विरोध किए थे मोदी जी वही लागू किए। तो ये बताइए आप कि ये मतलब कर क्या सकते हैं? ये उज्ज्वला गैस दिए, आज लोगों को भराने के लिए पैसे नहीं है, वैसे उज्ज्वला गैस उसे रखा गया है। भाजपा सरकार तो काम किए, रोड तो खोज खोज के बनवाई है। रोड तो देखिए, रोड वो दिखाने के लिए है, रोड पहले आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा एक्सप्रेसवे जो बनवाए हैं वैसा रोड बनवा के बीजेपी वाले दिखा दें उस दिन बताइए। भैया मैं आप ये बताइएगा, ये जौनपुर में है आप जी, और तिलोचन से आप आते हैं जी, कितने गड्ढे हैं बीच में? यही है ना, विधायक जी उनके हैं, अब गठबंधन जो नहीं तोड़े होते तो रोड बन गई होती बीजेपी, इसके पहले बीजेपी विधायक थे। हाँ हाँ, तो रोड वोड नहीं ध्यान दिए, सब जो है कि निधि खा के बैठ गए और अपने में परेशान रहे। तिलोचन से जब घूमते हैं जी, वहाँ हम 5 साल या 5 साल तो नहीं, 5 में बच्चा पढ़ता हो या 10 साल का बच्चा हो, किसी से पूछेंगे कि जेपी पाल फौजी के घर जाना, वो रास्ता बता देगा आपको। हाँ, आप इतने बड़े नेता बनते हैं, आपके घर आने के लिए रास्ता नहीं। अब बताइए, अब कितना लड़ाई लड़ा गया, सरकार सत्ता सब जो है विरोध में है एकदम। इसी जगह मेरे रास्ते पे आने के लिए जेपी पाल फौजी का बोर्ड लगा था, प्रदेश सचिव, बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया गया, उसको उखाड़ के फेंक दिया। इतना लोग मतलब आप पे जलन है या समाजवादी पार्टी? नहीं नहीं, मुझसे जलन नहीं है, समाजवादी पार्टी मतलब उनसे भी जलन नहीं है, वोट फेंका गया। उनसे जलन है बीजेपी वाले काम कर रहे हैं ऐसा, बीजेपी वाले जलते हैं। इसलिए बीजेपी वाले जलते हैं ना, किससे जलते हैं? आप से जलते हैं कि पार्टी से जलते हैं? पार्टी से जलने चाहिए, हमसे जलने तो मतलब एक ही हुआ, एक ही हुआ जी। तो आपका बोर्ड उठा के फेंक कब, कितना दिन हो गया? अरे बोर्ड उठा के फेंक दिए 8-9 महीने हो गया जी। FIR की है, उसका कोई सुनवाई नहीं, कहीं बीजेपी सरकार है, उनकी शासन है अपना, देख लेंगे। ठीक है देख लेंगे। सर अभी मैटर को कभी हाईलाइट नहीं किया, आपका बोर्ड तोड़ के फेंका गया? नहीं, मैं हाईलाइट किया था, हाईलाइट किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। मैं कप्तान के गया और नवनीत यादव बिट्टू भी थे मेरे साथ, कप्तान से कहें कि ऐसा क्यों कह, तो ठीक है इस पर कार्रवाई करेंगे। नवनीत यादव बिट्टू जफराबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं जी, पर क्या लगता है इस बार उनको 2027 में टिकट क्या? तो इस बार मिल जाता, वो गठबंधन में टिकट नहीं लेना चाहे, ठीक है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए, और इस बार जो है कि उनको फाइनल जो है इस बार विधानसभा हम लोग भेजेंगे विधायक बनाएंगे। अब जगदीश नारायण राय की स्थिति तो डैमेज है, जगदीश नारायण राय एकदम नहीं चल पाएंगे, वो चल ही नहीं पाते, और रह गई कि एक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और उनकी जो लोक प्रतिनिधि निधि हैं जो भी है, वो पैसा लूटने काम, उनका निधि लूटने काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहे हैं। सर आप बताइए, रोड इतना ज्यादा गड़बड़ है आपके घर आने का जी, तो आप क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं कि पार्टी पार्टी में सुनवाई नहीं हो रहा है? हम तो विरोध के सीएम से किए, किसी पत्रकार को नहीं बुलाए हम, चलिए हम करते हैं वहाँ विरोध। नहीं, आप चलिए बोलिए वहाँ रोड पे। हाँ, चलिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी समाजवादी पार्टी के विधायक इसलिए नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के विधायक होता नहीं, तो आज समाजवादी पार्टी के विधायक ही नहीं है वो, विधायक नहीं, इसके पहले बीजेपी के विधायक थे, लेकिन गठबंधन में है ना। नहीं नहीं, इसके पहले बीजेपी के विधायक थे, हम विरोध किए लेकिन उसका बात नहीं माने, और हमारा बात नहीं माने, और वो जो है कि हमारे ऊपर जो है मुकदमा लगाने का काम कर रहे थे। आज समाजवादी पार्टी पे गठबंधन
थी इसलिए उनको टिकट मिला जी। तो आज समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इसलिए आप विरोध नहीं कर रहे हैं, भाजपा के होते तो वहाँ पे धरना समाजवादी पार्टी के विधायक है ही नहीं, चलिए हम खड़ा होते हैं वहाँ पे विरोध करते हैं। गठबंधन अब तोड़ दिए हैं ओम प्रकाश राजभरी जी, अब ओम प्रकाश राजभरी जी एक चुनाव तक नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे, विभाग बोलते हैं पढ़े लिखे तो है नहीं, और एक अब कंडक्टरी करके वो चुनाव कैसे कैसे करके अपना व्यवस्था बना लिए। ये समाज की बात करते हैं कि हमारे पास राजभर हैं, ये हैं वो पूर्वांचल में, मैं चुनाव घोसी में क्या हुआ स्थिति उनकी, घोसी में स्थिति उनको भागने का काम कह कि सफाई पहुंचाने के, पहले तुम अपना भागो ना, कहां तुम जा रहे हो है? तो कहने कि समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। अरे यार समाजवादी पार्टी भैया मेरे सत्ता में रहेगी, और उन्हीं का देन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि ये जो है कि विधायक बने जो है, नहीं तो विधायक नहीं होते। और इनके दोनों लड़के अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अच्छा नहीं सर, वो तो ठीक है आप हमें एक, और इनको हम साइकिल से अपना साइकिल से लालटेन लेके इनको मैं खोज रहा हूँ, एक कहीं मिले तो इनको मैं ठीक कर दूंगा, दो मिनट में इनको ठीक करूंगा, दो मिनट बस, दो मतलब साइकिल से जी जी ये तो उत्तर प्रदेश अखिलेश भैया की प्रचार कर रहे हैं आप। हाँ। लालटेन तेज प्रताप यादव तेज, तो हम लोग इंडिया गठबंधन में है। अच्छा अच्छा इंडिया गठबंधन में है तो हम लोग लालटेन उठा लेंगे, पंजा उठा लेंगे, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश रहेगा। तो साइकिल पे भी आप 371 लिखवाएंगे? साइकिल पे मेरे नंबर रहेगा 371, जैसे लोग आज बैटरी वाली गाड़ी निकाले हैं मोदी जी, उसमें भी जीएसटी वीएसटी से पैसा लूटने काम कर रहे हैं, तो उस पे भी नंबर लग रहा है, तो ऐसे में भी अपने साइकिल पे नंबर लगाऊंगा 371 जफराबाद विधानसभा। पर जब ब्लॉक तो जलालपुर है आपका जी जी, बेसकी राम हमें बताइए ब्लॉक प्रमुख है यहाँ के जी, उनकी पत्नी है जी बदामा देवी जी, बदामा देवी जी सर कुछ काम नहीं निकलवा पा रहे हैं? नहीं काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या काम किए आपके गांव में? नहीं हमारे गांव में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर जगह काम कर रहे हैं, हमारे गांव में बातचीत हुई है, काम करेंगे, बातचीत हुई है। हाँ, पैसा भी आने वाला है उनके निधि में, तो हम करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत